24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस का एक विमान IC-814 काठमांडू से दिल्ली की उड़ान भरता है। तभी प्लेन में बैठे 5 आतंकवादी IC-814 को हाईजैक कर लेते हैं। 7 दिनों तक IC-814 कांधार अफगानिस्तान की जमी पर खड़ा रहता है। हाईजैकर्स डिमांड करते हैं कि भारत की जेल में बंद 3 आतंकवादी अहमद ओमर सईद शेख, मसूद अजहर और मुश्तक अहमद जरगर को रिहा किया जाए। अब दिन आता है 31 दिसंबर 1999। 7 दिनों बाद भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच नेगोशिएशन खत्म होता है और 3 टेररिस्ट के बदले सभी भारतीय पैसेंजर्स और क्रू को सही सलामत भारत वापस भेज दिया जाता है। इस हाईजैक में एक भारतीय पैसेंजर की कैजुअल्टी भी होती है। हाल ही में हाईजैक से जुड़ी एक वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। सीरीज में 5 आतंकवादियों के नाम पर विवाद छिड़ा, पर असल में ये मंजर कैसा था? IC-814 में उन 7 दिनों का डरावना माहौल, ये कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। देहरादून की रहने वाली डॉक्टर अनीता जोशी भी इस विमान में सवार थी। उन्होंने IC-814 का खौफनाक मंजर याद करते हुए क्या क्या बताया, सुनिए। एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे दिल्ली से काठमांडू। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद में हम लोग लौट रहे थे। वैसे ही 3-4 घंटे फ्लाइट लेट डिले थी, किस वजह से थी वो मैं नहीं जानती। टेक ऑफ के बाद में एज यूजल होता ही है कि हिमालयन पिक्स और वो सब हम लोग देख रहे थे। अचानक 10 से टेक ऑफ के 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद में 2 बंदे बिजनेस क्लास से दौड़ते हुए इकोनॉमी की तरफ आए और उन्होंने कहा कि कम ऑन यू ऑल हैव बीन हाईजैक्ड। मेरे को लगा कल क्रिसमस है, तो यंग बच्चे थे वो दोनों। मैंने कहा क्या पता कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, कुछ ड्रामा या कुछ चल रहा हो। फिर हम बाहर को देखने लगे अपने जैसे आज देख ही रहे थे। 5 मिनट बाद में वो फिर ज़ोर से चिल्लाए कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को हाईजैक कर लिया गया है। मेरे ख्याल से वो लोग 8-10 जेंट्स को एट रैंडम उठा के ले गए थे। उसमें 2-4 फॉरनर्स भी थे, 2-4 इंडियंस थे। जब मेरे को उन लोगों ने आगे बुलाया कि आप चलिए, तो मेरे को ये नहीं पता था वो मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं। क्योंकि पहली तो बात आपको ये बता दूं कि बिज़नेस क्लास पूरा खाली करा दिया गया था, सबको इकोनॉमी में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो भाई उन्होंने कहा कि चलिए, तो मैं उसके पीछे चल दी। जब मैं आगे गई बिज़नेस क्लास में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 8-10 लोगों को के फेस पे कंबल डाला हुआ था। सीट पे 8-10 लोग एट रैंडम बैठे थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। उसमें से एक रुपिन थे, रुपिन को जब उन्होंने कहा कि मैडम इसकी थोड़ी ड्रेसिंग कर दीजिए, तो मैंने एकदम चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा आपने इसका क्या किया? और दूसरा क्वेश्चन मैंने, उन्होंने कहा गलती से ज़्यादा कट गया। मैंने कहा आप लोग पाकिस्तानी हो? उनके चीफ ने हंसते हुए कहा कि मोहतरमा आपको डर नहीं लगता कि हम हिंदुस्तानी कश्मीरी हैं, कि आप डरती नहीं हैं? मैंने कहा सर क्या कर लोगे आप, जैसे इसको मारा मेरे को मार दोगे? शायद मैं ज़िंदगी में कभी ना भूल पाऊँ उस दहशत को। और रुपिन के ठीक बाद में शायद सतनाम का नंबर था, एकाध घाव उसको भी किए थे, पर हो सकता है मेरी बात का असर बोलिए या उनको क्या लगा हो, तो प्रेशर बिल्डिंग कर रहे थे ना, जो मेरे को पता है। सर मेरे को उन्होंने ओपनली कहा था कि मैडम आप उतर सकती हैं, आप उतर सकती हैं। मैंने एक सेकंड लिया, मैंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है पीछे। मैंने कभी भी 8 दिन में उनको ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मैडम के हस्बैंड IAS हैं, क्योंकि मेरे को पता था कि उनको एक बंदा काफ़ी है। हम सब गाजर मूली थे, उनको कोई एक की पर्सन, एक VVIP मिल जाता तो उनको कभी डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने कहा मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में गई है, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि मैं तो उतर जाऊं, पर मैम रहेंगी और मैं दिल्ली जब जाऊंगी तो सर मेरे को पूछेंगे अनीता मंजुला कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो मैंने दिल में सोचा कि ठीक है, बचना होगा तो बचेंगे, नहीं बचना होगा नहीं बचेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैं भी नहीं उतरूंगी। सर पहली बात तो ये बताऊं कि मैंने उस वेब सीरीज़ का एक एपिसोड हल्का फुल्का देखा है, मैंने पूरे एपिसोड नहीं देखे। दूसरा, काफ़ी हल्ला हो रहा है कि उनका नाम जो भी है। पहली बात तो ये बताऊं कि जो अंदर जो नाम उनको जो एड्रेस किया जा रहा था, इन्हीं नामों से किया जा रहा था। व्यक्तिगत अगर आप मेरे से पूछें
तो मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये कहूँ कि हाथ जोड़ के ड्यू रिस्पेक्ट टू नेटफ्लिक्स द डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुएवर, लेकिन शायद मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो ये कहना हमारी ये मॉरल बाइंडिंग बनती है कि लोगों की भावनाओं को आघात न पहुँचे।